चाहे चमकी बुखार हो, लोग मर रहे हैं, बच्चियों का रेप किया जा रहा है, क्या माहौल बना है। कल ही मुजफ्फरपुर में एक हवलदार को मार दिया गया गोली मार करके। आजकल तो पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है। अब बिहार के डीजीपी बोल रहे हैं क्राइम इतना बढ़ गया, बिहार के डीजीपी क्या कह रहे हैं कि हम भी अगर अकेले चलेंगे तो हमको भी कोई गोली मार सकता है। क्या आज तक लालू जी के राज में आप लोगों ने सुना किसी डीजीपी ने ऐसा बयान दिया हो? लेकिन यहां तो नीतीश जी का जो सुशासन राज है, यहां डीजीपी जब कह रहे हैं तो आम लोगों का तो छोड़ दीजिए। ये पुलिस का काम खाली वसूली में लगवा दिए नीतीश कुमार जी, क्या होगा? शराबबंदी हुआ लेकिन चालू है होम डिलीवरी, है कि नहीं? आप बताइए, उसमें वसूली, एक वसूली से लोग नहीं थका तो दूसरा वसूली हो गया। मारो चलान, चलान काटो। हम बोलते हैं ठीक है, आप इतना 50,000 आप चलान का कर दिए, लाख कर दिए, बटोर रहे हैं, है कि नहीं? हम पूछते हैं चलान बढ़ गया ठीक है, हर बार बढ़ता है, लेकिन बढ़ाने से कोई फायदा तो नहीं हुआ? अभी भी रोड एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे हैं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा अगर मौतें होती है तो रोड एक्सीडेंट में होता है, हर साल लगभग 4 लाख के करीब। लेकिन हम इतना पूछना चाहते हैं नीतीश जी से, पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए 25,000 का स्कूटी खरीदा कोई और उसको हो जाता है चलान 30,000 का, स्कूटी दे देता अलग से 5,000 देना पड़ता है कि नहीं? लेकिन हम बोलते हैं जहां पेट्रोल इतना महंगा हो गया, महंगाई देखिए, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल महंगा, मार्केट में मंदी है, लोगों को रोजगार था वो बेरोजगार है। अब बेरोजगारों को आप कम से कम हेलमेट तो दे दीजिए, कहां से पैसा ला करके खरीदेगा हेलमेट? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पेट्रोल थोड़ा कम करा दीजिए, दाम कम करा दीजिए पेट्रोल का, डीजल का। अब कमाई हो ही नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि डिग्री लेके क्या करोगे, डिग्री लेकर के नौकरी के पीछे मत भागो। ये है भाजपा के लोग, तो क्या करेगा नौजवान भाई हमारा? आज बताइए, नौकरी को लेकर के लोग जो परेशान हैं, हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नौजवानों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। आर्थिक मंडी में चलान पे चलान लोग काट रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, कोई बीमार पड़ गया आनंद फानंद में गाड़ी से ले जाना पड़े किसी को, उससे बर्ताव नहीं किया जा रहा ढंग से। हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है बिहार में, घोटाला पे घोटाला। यही डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार नहीं, एक इंजन अपराध में है और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल जब महागठबंधन में हम लोग थे, नीतीश कुमार जी थे, उसका आंकड़ा उखाड़ के देख लीजिए, इतना नहीं होता था अपराध, घोटाले नहीं होते थे। आप देख लीजिए आंकड़ा, जब से हम लोगों को धोखा देकर के गए हैं, पलटी मारी है, तब से बीजेपी के लोगों के साथ देख लीजिए अपराध में आंकड़ा बढ़ गया। और सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, हे अपराधीगण, हाथ जोड़ करके, हे अपराधीगण, पित्त पक्ष का महीना अभी छोड़ दीजिए, बाद में चालू रखिए। तो अब बताइए, ऐसा उप मुख्यमंत्री अगर बोलेगा तो पुलिस का मतलब? तो हज भवन में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करते जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।